खापरखेड़ा, नासिकी, कन्हान, कोलार, पेंच इन तीन नदियों के संगम तट पर प्राचीन भोसलेकालीन शिव मंदिर बसा है। इन मंदिर एवं धार्मिक पर्यटन स्थल को श्रद्धालु भावनिक लोग भेंट देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी से आवागमन जैसे बंद हो गया है। सिर्फ हाल ही में कुछ दिनों से बिना संगम नदी पर अस्थि विसर्जन शुरू होने से लोगों को दिलासा मिला। जिले के और भी कुछ मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थल बंद रहने से पूजा फूल सामग्री विक्रेताओं से लेकर तो अन्य दुकानदारों का इस कोरोना महामारी से आर्थिक गणित बिगड़ गया। पिछले 6 महीनों से सभी धार्मिक पर्यटन स्थल बंद रहने से बड़ा आर्थिक फटका बैठ गया, जिससे छोटे दुकानदारों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा और उन पर बेरोजगारी की नौबत आ गई। इतना ही नहीं तो मंदिर जाने का मुख्य मार्ग नदी के पुर से बह गया। एक तो बिना संगम का प्राचीन भोसलेकालीन शिव मंदिर भोसले घराने का बताया जा रहा है। इस मंदिर में भाविकों की आस्था रहती है, लेकिन 6 महीने से मंदिर में दर्शन करने एवं पर्यटकों की गर्दी नहीं के बराबर है। आज की स्थिति में कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने यहां आना जाना बंद कर दिया है, जिससे मंदिर में सन्नाटा छाए जैसा लग रहा है। आम नागरिकों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी ने खबरदारी समझकर नियमों का पालन करते हुए धार्मिक पर्यटन स्थलों को शुरू करने की मांग शासन से की थी। कोरोना महामारी से पर्यटन स्थलों को ब्रेक तो लग ही गया, जिससे सभी को मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकास कामों में भी मंदी आ गई है। उसी प्रकार धार्मिक पर्यटन स्थलों को एक भावनिक बंद रहता है, लेकिन कोरोना से ये भावनिक बंद भी टूट सा गया है। 94 मध्ये पूर आला होता, थोड़ा डुबलो होतं, पण त्याच्यानंतर आता 2020 मध्ये महापूर झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे पूर्ण इथला रस्ता आणि इलेक्ट्रिक लाईन सर्व तोडफोड झालेल्या आहे। तरी शासनाने आम्ही मागणी केली आहे ग्रामपंचायत मार्फत, पण WCLवाले ज्या अंडरमध्ये येत असल्यामुळे ते WCLवाले काही लक्ष देऊन नाही राहिले। त्याच्यामुळे तर इथे जे काम करणारे आहेत, दुकानदार आहेत, ते भूकमारीमुळे परेशान आहेत भरपूर, आणि कोरोनाच्या असल्यामुळे इथं जरा बंदी आहे, पण तरी शासनाने इथं बंदी काढून इथे पूजेसाठी आणि इतर याच्या कामासाठी लक्ष द्यावं अशी आम्ही आग्रहाची विनंती करतो। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को जो भेंट देकर शांति और ऊर्जा मिलती थी, वह कहीं खत्म सी हो गई है। इनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।